गुड मॉर्निंग बच्चों, यूकेजी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पुनरावृत्ति पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पुनरावृत्ति में क्या पढ़ेंगे हम? तुकान शब्द। तुकान शब्द का क्या करेंगे आज हम लोग? पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलो शुरू करें हम। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। प्रश्न क, फल। फल शब्द का मिलता जुलता शब्द बताओ। बच्चों याद है मैंने बताया था ना तुकान शब्द में कि अंतिम अक्षर में जो रहता है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तुकान शब्द यानी मिलते जुलते शब्द। तो फल शब्द का मिलता जुलता शब्द कौन सा है बताओ तो? नल नल, कलम कलम, पन घट पन घट। तो फल का क्या होगा मिलता जुलता शब्द? नल। तो हम नल में टिक लगाएंगे। अब क्या है प्रश्न ख, कमल। कमल शब्द का मिलता जुलता शब्द बताओ। तो कमल शब्द का मिलता जुलता शब्द क्या है? कलश, नमक या महल। तो कमल शब्द का मिलता जुलता शब्द क्या होगा? यहाँ भी अंतिम में ल है और यहाँ भी अंतिम में ल है, तो क्या होगा? कमल महल। तो हम महल में टिक लगाएंगे। प्रश्न ग, नटखट। नटखट शब्द का मिलता जुलता शब्द बताओ। तो नटखट शब्द का मिलता जुलता शब्द कौन है? शरबत, पनघट या कसरत। तो क्या होगा बताओ तो बच्चों? यहाँ पर क्या है? नटखट, नटखट। और यहाँ पे क्या है? प न घट पनघट। देखो यहाँ भी लास्ट में ट है और यहाँ भी ट है, तो कौन सा होगा ये? पनघट। प्रश्न घ, ताला। ताला शब्द का मिलता जुलता शब्द बताओ। तो ताला का मिलता जुलता शब्द क्या होगा? माता, आना या माला। तो क्या होगा बच्चों? ताला माला। तो हम माला में टिक लगाएंगे। प्रश्न अंग, बारिश। बारिश शब्द का मिलता जुलता शब्द बताओ। तो बारिश का क्या होगा? मालिश, तकिया या सितार। तो क्या होगा? बारिश मालिश। तो हम मालिश में टिक लगाएंगे। प्रश्न च, साबुन। साबुन शब्द का मिलता जुलता शब्द बताओ। तो साबुन का मिलता जुलता शब्द क्या है? सुबह, कछुआ या दातुन। तो साबुन दातुन। तो हम दातुन में टिक लगाएंगे। प्रश्न छ, जलेबी। जलेबी शब्द का मिलता जुलता शब्द बताओ। तो जलेबी का क्या होगा? फरेबी, अपने या तेवर। तो क्या होगा? फरेबी। तो हम फरेबी में टिक लगाएंगे। प्रश्न ज, सैनिक। सैनिक शब्द का मिलता जुलता शब्द बताओ। तो सैनिक शब्द का मिलता जुलता शब्द कौन सा है? लठैत, दैनिक या जैसा। तो सैनिक दैनिक। तो हम दैनिक में टिक लगाएंगे। बच्चों ये आपका तुकान शब्द है पुनरावृत्ति। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, लिखिएगा और याद करिएगा। बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। बाय, थैंक यू।